हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनीष। सो आज हम टाइम एंड डिस्टेंस मैथ का चैप्टर पढ़ेंगे। मैंने इसमें दो टाइप कवर किए हैं, धीरे धीरे दो दो टाइप, तीन तीन टाइप में एक एक वीडियो में शामिल करता रहूँगा। ठीक है, तो हम इसके करीब 60 या 70 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँगा सारे टाइप से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले टाइप की। मैंने सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में लिखे हैं, जिससे जो हिंदी मीडियम वाले होंगे मैं उनके लिए हिंदी बताता रहूँगा और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको साथ साथ में समझते रहेंगे। तो देखिए, तो हम बात करते हैं सबसे पहले टाइप नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर पहला, अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विथ एक्स किलोमीटर पर आर एंड कम बैक विथ वाई किलोमीटर पर आर। एक आदमी है जो एक निश्चित दूरी को एक्स किलोमीटर पर आर की चाल से जाने में और वाई किलोमीटर पर आर की चाल से वापस आने में वो दूरी को तय करता है। ठीक, ही टेक्स टी आर टू गो एंड कम बैक फाइंड द डिस्टेंस। वह जाने में और आने में टी घंटे का समय लेता है, तो वह दूरी ज्ञात करो कि वह दूरी क्या है। तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि एक्स किलोमीटर पर आर एंड वाई किलोमीटर पर आर। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है, एक्स वाई का एलसीएम, एक्स वाई। देन एक्स का इसमें डिवाइड करेंगे तो एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, वाई। और यहाँ वाई से करेंगे तो एक्स। ठीक है, यहाँ पर इसको वाई घंटे लग रहे हैं और यहाँ पर इसको एक्स घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, ये है एक्स और ये है वाई जाने में, और ये जाने की चाल है और ये वापस आने की चाल है, यानी जाने में प्लस आने में कितना समय लग रहा है, टी घंटे। तो एक यूनिट बराबर, एक इकाई बराबर टी अपॉन एक्स प्लस वाई। एक इकाई बराबर इतना, तो टोटल इकाई कितनी है, एक्स वाई। तो एक्स वाई दूरी तय करने पे टी अपॉन एक्स प्लस वाई गुणा एक्स वाई किलोमीटर। ये तो हुआ कॉन्सेप्ट। अब देखिए, हमसे इसमें क्या पूछा है, डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला बन के आता है डी इज इक्वल टू, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एस वन इंटू एस टू अपॉन एस वन प्लस एस टू इंटू टोटल टाइम, पहले की चाल गुणा दूसरे की चाल अपॉन दोनों चालों का योग और टोटल जितना समय लग रहा है उतना। तो ये तो सिर्फ फॉर्मूला इससे हमने निकाला है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ बॉय गोज टू स्कूल एट 3 किलोमीटर पर आर एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आर। एक लड़का है जो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। इफ़ ही टेक्स 5 आर, यदि उसे पूरा 5 घंटे लगता है जाने और आने में, तो भैया दूरी याद करो, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज टू स्कूल। तो उसके गाँव से उसके विद्यालय की दूरी याद करो। तो अभी हमें फॉर्मूला याद रखना है कि डी डिस्टेंस निकालना हो तो क्या होता है, एस वन इंटू एस टू अपॉन एस वन प्लस एस टू इंटू टोटल टाइम। नाउ एस वन कितना है, 3 किलोमीटर पर आर, डी इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आर। एस टू कितना है, 2 किलोमीटर पर आर, 3 प्लस 2, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटे। ये 5 घंटे, 3 दूनी 6 बटे 3 और 2 5 गुणा 5, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ गया, 6 किलोमीटर। तो उसके गांव से स्कूल की दूरी कितनी होगी, 6 किलोमीटर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आर एंड वॉक बैक एट 4 किलोमीटर पर आर। कि एक आदमी है, वो एक निश्चित दूरी को ट्रेन के द्वारा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और वापस चलकर आता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। द होल जर्नी टेक 5 आर 48 मिनट, देन व्हाट डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल बाय ट्रेन। तो उसने ट्रेन के द्वारा कितनी दूरी तय की, ठीक है, और इस पूरी जर्नी में उसका समय कितना लगता है, 5 घंटे 48 मिनट। तो देखिए, 5 घंटे 48 मिनट, इसको भी हम घंटे में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60। ठीक है,
5 5 जा 25, पचम 25 और 4 29, 29/5 घंटे उसको इतना समय लगता है। अब हमें अपना फॉर्मूला लगाना है, डी इज इक्वल टू S1 × S2 / S1 + S2 टोटल टाइम। S1 कितना है ट्रेन के द्वारा, 25 किलोमीटर पर आवर, और पैदल कितना चल के आता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों को जोड़ेंगे 25 + 4, और टोटल टाइम कितना है अपना 29/5। तो 25 चौक कितने हो गए 100 / 29 × 29/5, 29 से 29 कैंसिल, और ये 5 से 20 बार में, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी 20 किलोमीटर आंसर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। अ मैन गो अ सर्टेन डिस्टेंस विथ एक्स किलोमीटर पर आर एंड ही कम बैक विथ ए स्पीड ऑफ वाई किलोमीटर पर आर। इफ़ ही टेक्स डी आर मोर टू कम बैक देन गो फाइंड द डिस्टेंस। कि एक आदमी है जो एक निश्चित दूरी को एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने में और वापस आता है वाई किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इफ़ ही टेक्स डी आर मोर टू कम देन गो, यदि वो आने में जाने की अपेक्षा टी घंटे अधिक समय लेता तो डिस्टेंस याद करो, दूरी याद करो। तो वही हम लेके चलते हैं कि उसकी चाल कितनी है एक्स किलोमीटर पर आर, एंड वाई किलोमीटर पर आर। एलसीएम कितना आया एक्स वाई, इससे आया वाई घंटे और इससे आया एक्स घंटे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि वह इफ़ ही टेक्स टी आर मोर टू कम बैक देन गो, यदि वह आने में जाने की अपेक्षा टी घंटे अधिक समय लेता, यानी एक्स और वाई का अंतर दे रखा है हमें कितना, एक्स माइनस वाई यूनिट का अंतर कितना है, टी घंटे का अंतर दे रखा है कि जाने की अपेक्षा आने में टी घंटे समय इतना अधिक लेता। ठीक है, तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, एक इकाई बराबर टी अपॉन एक्स माइनस वाई। देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला जो मैं बताऊंगा वो याद में रखना है, ये तो बस समझने के लिए है। तो एक यूनिट बराबर इतना है, तो एक्स वाई यूनिट बराबर कितना हो जाएगा टी अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स वाई। इसी से तो फॉर्मूला बनेगा हमारा कि डी इज इक्वल टू एस वन इंटू एस टू अपॉन एस वन माइनस एस टू इंटू डिफरेंस बिटवीन टाइम, समय का जो अंतर है वो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई में करना है। इसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। देखिए अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ऑफिस, कि एक व्यक्ति है जो अपने घर से ऑफिस के लिए एक निश्चित दूरी को कवर करता है। इफ़ ही ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आर देन ही इज लेट बाय 10 मिनट। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 10 मिनट लेट हो जाता है। बट इफ़ ही ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आर, यदि वो 40 किलोमीटर की चाल से जाए देन ही रीचेज हिज ऑफिस 5 मिनट अर्लियर। यदि वो 40 किलोमीटर की चाल से जाए तो वो अपने ऑफिस 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस, तो घर से ऑफिस की दूरी याद करो। डिफरेंस टाइम का कितना हुआ, देखो यदि वो 30 की स्पीड से जाता है ना तो 10 मिनट क्या हो जाता है भाई, लेट हो जाता है। और यदि 40 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट क्या होता है पहले। अगर ये करेक्ट टाइम है, यदि वो 30 की स्पीड जाएगा तो 10 मिनट इधर लेट हुआ, और यदि 40 मिनट तो 5 मिनट इधर लेट, तो ये जो पूरा टाइम होगा क्या हो जाएगा, पूरे इस कवर को मेरे को, इस पूरी लाइन को अगर मेरे को नापना है तो इस पूरे डिस्टेंस को मैं नापूंगा तो 10 मिनट ये और 5 मिनट ये, तो समय का अंतर कितना हुआ 15 मिनट का हुआ। ठीक है, अब हम अपने सूत्र की तरफ देखते हैं कि डी इज इक्वल टू एस वन इंटू एस टू अपॉन एस वन माइनस एस टू इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। एस वन कितना है 30, एस टू कितना है 40, 40 - 30 इंटू यहाँ पर कितने का अंतर आया था 15 मिनट का, कैसा है समझ गए ना। ठीक है 15 मिनट है, इसको मैं आवर में चेंज करूँगा तो 60 से डिवाइड कर दूँगा। ठीक है आगे देखते हैं, 30 × 40 / 40 में से 30 गए तो 10 × 15 = 60, यानी 1/4। ठीक है 10 से इसको कैंसिल कर देते हैं, कितनी बार जाएगा 4 बार में, 4 से 4 कैंसिल, तो डिस्टेंस कितनी आएगी 30 किलोमीटर।
आंसर, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूँ कि आप ये लास्ट क्वेश्चन स्वयं करें तो बेटर रहेगा, एक बार आप भी इसे करके देखें। सेम क्वेश्चन मैं एक बार समझा देता हूँ कि स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस वन डे आई स्टूडेंट वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज स्कूल 6 मिनट लेट। कि भैया अपने घर से शुरुआत करते हुए एक दिन एक लड़का 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हुआ अपने स्कूल पहुंचता है और 6 मिनट लेट पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा लेता है, ठीक है। पहले कितनी किलोमीटर चल रहा था, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 किलोमीटर बढ़ा लेता है, मतलब 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और रीचेस टू द स्कूल 6 मिनट अर्लियर, और 6 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। तो टाइम का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 6 मिनट लेट इधर हो रहा था और 6 मिनट पहले यहाँ पहुँच रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 12 मिनट, ठीक है। तो 12 मिनट टोटल आपका टाइम का डिफरेंस हो जाएगा। उसके बाद आपको वही S1 S2 / S1 - S2 करना है, देन आपको सोल्व करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये दो टाइप मैंने आपको बताए बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। कुछ प्रॉब्लम हो वीडियो में या क्वेश्चंस में या टाइप में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।